Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about Laplace transform. It is a very important topic in signal system, so we will have to discuss this thoroughly. Okay, so let's move it. The bilateral Laplace transform. The Laplace transform is named in the honor of the great French mathematician Pierre Simon D. Laplace. The best way to convert differential equation into algebraic equation is the use of Laplace transformation. Laplace transform is the integral transform of given derivative function with real variable t to convert into complex function with variable s. तो Laplace transform जो है वो एक best tool है, एक mathematical tool है जो कि क्या कर रहा है, differential equation से को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल टूल है जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत इजी वे में जो है हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग सिग्नल सिस्टम में बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे और कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यह सॉल्विंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी हैव टू लर्न अबाउट लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन दिस सेशन। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, यह एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है एक गिवन डेरिवेटिव फंक्शन का, जो कि किस कहाँ डिफाइंड है, जो वेरिएबल टाइम डोमेन में डिफाइंड है उसे वो किस डोमेन में कन्वर्ट करता है, वो एस डोमेन में कन्वर्ट करता है। एस जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसका वैल्यू एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा होता है। सिग्मा रियल पार्ट है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड जी ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट। एक्चुअली हम लोग को अब दो फॉर्मूला पढ़ना है, एक है एनालिसिस फॉर्मूला, एक है सिंथेसिस फॉर्मूला। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, सो बायलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमें एनालिसिस फॉर्मूला के द्वारा मिलता है। एक्स ऑफ एस फॉर्मूला है, एक्स ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, सो वी विल गेट द Laplace transform of xt equal to x of s, and this integration is defined in the region of convergence, that is in the s domain। कहाँ define होता है, उसी region में define होगा जहाँ पर ये integral exist करता है। इसका मतलब इस integration का एक value होगा जो कि less than infinity होगा, और उस region में हम कहेंगे कि यह जो integration है वो exist करेगा। उसी region को area of, that is region of convergence कहा जाता है, ROC। सिंथेसिस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक्चुअली पढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो उसको फिर से अगर मुझे फिर से हमें अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना होगा तो हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो वह फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू वन बाई टू पाई जे इंटीग्रेशन सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी टू सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्चुअली, एक्स ऑफ एस ई टू द पावर एस टी डी एस। Since x is a complex quantity, x of s is a complex function of complex variable. Sigma is in the ROC. Obviously, sigma जो है वो real part है और हम लोग जो है ROC को जो है इसी real part में दिखाएंगे। Synthesis formula involves integration in the complex domain, s domain. Synthesis formula will also will be used only to prove theorems and not to compute time function directly. हम लोग जो है इस फॉर्मूला के द्वारा जो है कुछ थ्योरम्स प्रूव करते हैं, और हमें अगर हमारे पास में जो है वो हम लोग डायरेक्टली जो है इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करते, हम लोग मेनली यूज़ करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के एनालिसिस इक्वेशन फॉर्मूला को, जिसके द्वारा हमें क्या कर सकते हैं, टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमें फ्रिक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में फिर से कन्वर्ट करना होता है तभी हम सिंथेसिस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। नाउ यूनिलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, बायलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं एंड यूनिलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं, ये हमें जानना होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरा सिग्नल x ऑफ t है तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म x ऑफ s होता है। तो जब हम सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं तब उस सिग्नल को हम बायलैटरल कहते हैं, और जब इस सिग्नल को हम लोग जब इस इंटीग्रेशन को हम लोग जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइन करते हैं तब इसे हम कहते हैं यूनिलैटरल। ओके, यूनिलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज रेस्ट्रिक्टेड टू कैजुअल टाइम फंक्शन एंड टेक्स इनिशियल कंडीशन इनटू अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक मैनर बोथ इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इन द एनालिसिस ऑफ सिस्टम। इसका मतलब सिंपल वे में अगर कहा जाए तो बायलैटरल
लैपलेस ट्रांसफॉर्म के द्वारा जो है हम लोग को जो है वो ऐसा सिग्नल मिल रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ कैजुअल एंड नॉन कैजुअल टाइम फंक्शन। हमें पता है कैजुअल फंक्शन उसे कहते हैं जो फंक्शन जो है ओनली इट इज डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इन द पॉजिटिव एक्सेस। ओके, सो जीरो टू इन्फिनिटी, जब हम सिग्नल को जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइन करते हैं दैट इज टी ग्रेटर देन जीरो, तब उसे हम कहते हैं कैजुअल टाइम फंक्शन। तो मेरा यूनिलैटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है वो कैजुअल टाइम फंक्शन को लेकर डील करता है, और बाइलैटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म बोथ कैजुअल एंड नॉन कैजुअल टाइम फंक्शन को डील करता है। वह टी लेस देन जीरो दैट इज फ्रॉम जीरो टू माइनस इन्फिनिटी को भी डील करता है, एंड टी ग्रेटर देन जीरो दैट इज टी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी दैट इज जो है जीरो से इन्फिनिटी को भी लेकर डील करता है। तो कैजुअल एंड नॉन कैजुअल टाइम फंक्शन दोनों को लेकर डील करता है बायलैटरल। हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म को, ये हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है एक्स ऑफ टी, व्हेन वी मेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी वी विल गेट एक्स ऑफ एस, एंड व्हेन वी गो फॉर द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म वी विल अगेन गेट एक्स टी। ओके, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। नंबर वन, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से हमें क्या होता है, अगर मेरा एक्स ऑफ टी जो है वो ए इंटू एक्स वन टी प्लस बी इंटू एक्स टू टी है, ये एक लीनियर फंक्शन है, इसका जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म ही रह जाएगा, कोफिशिएंट ए ही रहेगा, लेकिन एक्स वन टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स वन एस प्लस बी इंटू एक्स टू एस। ओके, अब इन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन प्रूफ दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट डिले बाई टी, अगर टाइम डोमेन में फंक्शन टी टाइम डिले होता है तो फिर जब हम एस डोमेन में जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू एक्स ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, ये हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर एक फंक्शन एक्स ऑफ टी के साथ अगर टी मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा माइनस डी डी एस ऑफ एक्स ऑफ एस, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फूरियर डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी। मल्टीप्लीकेशन बाई ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, दैट इज इफ एक्स टी एक्स ऑफ टी फंक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर माइनस ए टी, दैट इज इट इज इक्वल टू एक्स टी टू द माइनस ए टी का रहता है, तो हमारा जो है वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एस प्लस ए। ओके, सिमिलरली अगर डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन होता है दैट इज डी टी ऑफ एक्स टी, तो हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा एस डोमेन में क्या हो जाएगा एस इंटू एक्स एस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन एंड इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन में अगर फंक्शन होता है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एस इंटू एक्स एस होता है, और अगर इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन होता है मतलब टाइम डोमेन में उस सिग्नल को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ अगर हम करते हैं तो उसका हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है एक्स ऑफ एस बाई एस। अगर हम कन्वोल्यूशन करते हैं इन टाइम डोमेन तो कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन इन द एस डोमेन, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स वन टाउ इंटू एक्स टू टी माइनस टाउ डी टाउ का जो जो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो एक्स वन एस इंटू एक्स टू एस हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हमें कॉन्वोल्यूशन निकालना है टाइम डोमेन में तो सिंपली हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है वो क्या कर सकते हैं वो दोनों फंक्शन के ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई करके उसका फिर इनवर्स निकाल सकते हैं, तो वी विल गेट द एक्चुअली द टाइम डोमेन फंक्शन। सो कन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन इज एक्चुअली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन इन द एस डोमेन। So these are the important form properties which you have to remember for the application of different formulas for different application in different numericals. Okay. So now move to linearity property. Linearity property क्या कह रहा है कि a अगर मेरा जो function है वो अगर a into x1 t plus b into x2 t है तो इसका Laplace transform क्या हो जाएगा a into x1 s plus b into x2 s. तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा फंक्शन है x of t equal to ax1 t plus bx2 t तो हम लोग एनालिसिस फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म का क्या होगा x of s equal to integration minus infinity to plus infinity, ये हमारा फंक्शन है x of t that is x t e to the power minus st dt, x t का वैल्यू हो गया ax1 t plus bx2 t e to the power minus st dt,
इसको इसको हम लोग जो है तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ए एक्स वन टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी बी एक्स टू टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। तो दिस वन फर्स्ट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स वन टी। यू नो दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स वन टी विल बी कैपिटल एक्स वन एस, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ए एक्स वन टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। दैट इज एक्स वन टी का जब हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो एक्स वन एस निकल रहा है और ये उसका फॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन मेरा क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज द फॉर्मूला प्लस फॉर एक्स वन एस एंड दिस सेकेंड इंटीग्रेशन डिनोट द फॉर्मूला फॉर एक्स टू एस। तो हमारा जो जो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, ए एक्स वन एस प्लस बी एक्स टू एस। नाउ अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आर ओ सी को इसलिए हम लोग को लोकेट करना होता है, हम लोग चेक करना होता है कि आर ओ सी जो है वो क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ है। तो क्योंकि दोनों फंक्शन जो है वो क्या हुआ, सम हुआ है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के समेशन का जो 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 रीजन होगा, जिस रीजन में ये इंटीग्रेशन जो है वो उसका एक फाइनाइट वैल्यू होगा, वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर ओ सी ऑफ एक्स वन एस एंड एक्स टू एस। इन दोनों के एक्स वन एस का जो आर ओ सी होगा और एक्स टू एस के जो आर ओ सी होगा, उन दोनों में जो जो एरिया दोनों दोनों में ही कॉमन होगा, वही वो एक्स वन एस को रिप्रेजेंट करेगा, आर ओ सी ऑफ एक्स वन एस, क्योंकि ये दोनों फंक्शन का समेशन है। ओके सो क्योंकि ये दोनों फंक्शन का समेशन है, देयरफॉर द आर ओ सी ऑफ एक्स वन एस विल बी व्हाट, इट विल बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर ओ सी ऑफ एक्स वन एस एंड एक्स टू एस। ओके नाउ कैजुअल एक्सपोनेंशियल टाइम फंक्शन, कैजुअल बोले हैं इसका मतलब है कि मेरा एक्सपोनेंशियल टाइम फंक्शन है जो कि कैजुअल है, ऑब्वियसली इट विल एग्जिस्ट इन द पॉजिटिव टाइम एक्सिस। ओके दैट इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। सो if x of t equal to e to the power alpha t u t, then the Laplace transform is x of s equal to integration minus infinity plus infinity, this is actually हमारे x t है तो e to the power alpha t u t e to the power minus s t dt, ये हमारा formula हो गया। now u t का value जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कब, जब यह integration जो है minus infinity plus infinity से हटके 0 से infinity हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी जीरो तक इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि यह एक कैजुअल फंक्शन है। तो क्योंकि यह कैजुअल फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तक ही डिफाइंड होगा। तो हमारा क्या हो गया, एक्स ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो माइनस एस माइनस टू एस माइनस अल्फा टू टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए का जो टी का जो इंटीग्रेशन हो क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन दिस इज मल्टीप्लाइड विथ टी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, तो वन बाई एस माइनस हो गया एंड दिस विल बी ई टू द पावर माइनस एस माइनस अल्फा इंटू टी। इसका हम जब हम वैल्यू पुट कर देंगे जीरो से इन्फिनिटी तक तो वैल्यू मेरा आ जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस एस माइनस अल्फा इंटू इन्फिनिटी। जब जीरो पुट किया तो ई टू दी जीरो मतलब वन हो गया, इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो मेरा एक्स ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा वन बाई एस माइनस ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल गया कि इफ एक्स टी इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा टी यू टी और ई टू दी पावर ए टी यू टी, देन एक्स ऑफ एस इक्वल टू वन बाई एस माइनस अल्फा। ओके फॉर सिग्मा ग्रेटर देन alpha. Why I am saying sigma? क्योंकि the exponential term has the magnitude of zero or infinity. ये जो exponential function है इसका क्या है, दो value था, या zero था या infinity था। तो for क्या है, real value of x minus alpha, जब हम कह रहे हैं कि x minus alpha का real value जो है greater than zero होगा, तो greater than zero का तो ये term जो e to the power minus infinity रह जाएगा, तो exponential term is zero, क्योंकि e to the power minus infinity को zero आता है। लेकिन अगर ये वाला ये जो एस माइनस अल्फा है ये टर्म अगर नेगेटिव होता है तो ई टू दी प्लस इन्फिनिटी हो जाए, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो ये तो तब फिर हम लोग कह सकेंगे कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि जब जब एस माइनस ए का वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यह इंटीग्रेशन जो है वो क्या है,
कन्वर्ज कर रहा है, इसका एक डेफिनेट वैल्यू है लेस देन इन्फिनिटी। सो द इंटीग्रेशन कन्वर्जेस। और ये कब कैसे हो रहा है? तब हो रहा है जब s माइनस अल्फा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है कि s s इज द s इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा है। तो हम रियल रियल वैल्यू को लेकर के डील कर रहे हैं, r इज फॉर द रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू को डील कर रहे हैं। तो रियल वैल्यू ऑफ s इसका मतलब है सिग्मा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं सिग्मा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया? x ऑफ s इज सिग्मा ग्रेटर देन अल्फा। दस वी हैव, तो हम लोग क्या मिल गया, x ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर अल्फा t u t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x ऑफ s इक्वल टू 1 बाय s माइनस a फॉर सिग्मा ग्रेटर देन अल्फा। इसी को हम लोग अब प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ये x ऑफ t जो था वो क्या था हमारा, ये रहा e टू द पावर अल्फा t u t। तो ये हमारा है वैल्यू, ये मेरा फंक्शन है x ऑफ t। और इसका जो आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी हो जाएगा ये सिग्मा है हमारा, हमने ये मेरा एस डोमेन है, एस डोमेन है, एस डोमेन में क्या है सिग्मा जो है रियल फंक्शन है जिसको हम लोग क्या करते हैं एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं और इमेजिनरी फंक्शन जी ओमेगा को हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर कितना हमने कहा है, यहाँ पर एस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो करेंगे दैट इज सिग्मा का वैल्यू जो है वो क्या हो जा रहा है ग्रेटर देन अल्फा। यहाँ हमने निकाला है सिग्मा का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन अल्फा, दैट मीन्स जो है अल्फा जो है वो क्या है, यहाँ पर मेरा अल्फा है, सिग्मा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा है। इसका मतलब है कि हमारा एरिया जो है वो शुरू हो रहा है अल्फा से एंड टुवर्ड्स टुवर्ड्स द हायर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अल्फा की तरफ जा रहा है, अल्फा से बढ़ रहा है टुवर्ड्स सिग्मा की तरफ। मतलब ये जीरो से जो है, अगर ये मेरा टाइम एक्सिस है तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, बट इट मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये मैंने क्रॉस साइन क्यों किया हुआ, क्रॉस साइन इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो अल्फा है ये एक पोल को डिनोट करता है। दैट मीन्स जब हम एक फंक्शन को, जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के रूप में एक फंक्शन को डिनोट करते हैं तो इसका जो न्यूमेटर होता है, ये न्यूमेटर में जो न्यूमेटर बाय डिनोमेटर जो हो रहा है वो हमें क्या देता है, ट्रांसफर फंक्शन देता है। डिनोमेटर का जो डिनोमेटर से जो हमें जो रूट्स मिलते हैं वो पोल्स को डिनोट करते हैं और जो न्यूमेटर से जो रूट मिलते हैं वो जीरोस को डिनोट करते हैं। तो हम लोग पोल्स को क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं एंड जीरोस को जो है वो जीरो से डिनोट करते हैं। तो हम लोग अभी पोल्स को लेकर डील कर रहे हैं, तो पोल्स को हमने इसलिए यहाँ एक क्रॉस साइन यूज किया गया है अल्फा के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैजुअल एक्सपोनेंशियल टाइम फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे आगे और इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे एंड वी विल गो फॉर मोर प्रॉपर्टीज and the numericals regarding Laplace transform and inverse Laplace transform. Okay, thank you. Please do like, comment, share and subscribe. You can also watch my different videos of analog electronics, digital electronics in my YouTube channel. Please follow my link. Thank you.